In the previous class, we were discussing about the principle of centrifugation. हमने कहा था कि कई बार जो particles के masses में difference होता है, देखो ऐसा होता है कि कुछ कोई ऐसा colloidal mixture है. Colloid आप समझते ही हो, 1 to 100 nanometer particle size. तो particle size क्या है कि इतना छोटा तो है कि उसका एक distinct mass हो, लेकिन इतना बड़ा नहीं है कि उसको फिल्ट्रेशन से सेपरेट किया जा सके, है ना. फिल्ट्रेशन से आप सेपरेट, आपको अगर याद हो तो हम सिर्फ कर सकते हैं सस्पेंशंस को. कोलॉइड्स भी नॉन फिल्ट्रेबल की कैटेगरी में आते हैं और सॉल्यूशंस भी नॉन फिल्ट्रेबल की कैटेगरी में आते हैं. तो सॉल्यूशंस का तो खैर आप कुछ नहीं कर सकते सेंट्रीफ्यूगेशन से, लेकिन जो कोलॉइड्स होते हैं उन वहाँ पर ऐसा हो जाता है कि आप जैसे कि मिल्क में से हमको बटर और क्रीम को अलग अलग करना है, हम उस दिन एग्जांपल ले रहे थे. तो उसके लिए अलग अलग मासेस या अलग अलग डेंसिटी वाले जो सब्सटेंसेस हैं उनको हम एक सेंट्रीफ्यूग या सेंट्रीफ्यूगल मशीन में रख के घुमाते हैं. उनको हम जब रोटेट करते हैं, उनको जब स्पिन करते हैं, तो उस स्पिन के इन्फ्लुएंस में उन पर सेंटर से बाहर की तरफ एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगता है जो हैवी पार्टिकल्स को सेपरेट कर देता है. हैवी पार्टिकल्स को बॉटम ऑफ द टेस्ट ट्यूब इकट्ठा कर देता है. दिस इज नोन एज सेंट्रीफ्यूगेशन. हाँ, तो हम आज विद द हेल्प ऑफ सम इलस्ट्रेशंस, विद द हेल्प ऑफ सम वीडियोस, पहले तो सेंट्रीफ्यूगेशन देखेंगे कि कैसे होता है, और फिर उसके बाद हम मिसिबल लिक्विड्स को, मिसिबल और इमिसिबल लिक्विड्स क्या होते हैं, उनके एग्जांपल्स क्या हैं, और फिर किस तरह से इमिसिबल लिक्विड्स को सेपरेट करते हैं उसके बारे में सीखेंगे. ठीक है, ये दो बातें आज हमको सीखनी है अच्छे से. ये दोनों आपका 3 मार्क का क्वेश्चन हो सकता है. तो देखो, ये एक सिंपल सेंट्रीफ्यूग है. इसको हम क्या बोल रहे हैं, सेंट्रीफ्यूग या सेंट्रीफ्यूगल मशीन भी बोलते हैं इसको. इसमें क्या होता है कि होल्डर्स होते हैं. यहाँ पे टेस्ट ट्यूब होल्डर्स दिख रहे हैं आपको, दो दिख रहे हैं और बैक साइड के दो अभी नहीं दिख रहे हैं. हम इस तरह के कोई भी सस्पेंशंस भी यूज़ कर सकते हैं, कुछ कोलॉइड यूज़ कर सकते हैं. जो भी आप यूज़ करोगे आप टेस्ट ट्यूब में रख के टेस्ट ट्यूब होल्डर्स में और इसके अंदर लगा दो. फिर यहाँ पे इसके एक लीवर है, उस लीवर से आप इसको घुमाओगे तो ये रोटेट करेगा, स्पिन करेगा ऐसे, और हम लगभग उसको हॉरिजॉन्टल पोजीशन में स्पिन करवाने लगते हैं. तो इससे क्या होता है कि एक फोर्स लगता है सेंटर से बाहर की तरफ. अभी हम वीडियो देखेंगे तो मैं आपको समझा दूंगा, जिसको हम सेंट्रीफ्यूगल फोर्स बोलते हैं. उस अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ दैट सेंट्रीफ्यूगल फोर्स ये हैवियर पार्टिकल्स जो होते हैं वो बॉटम पर जाकर के इकट्ठा हो जाते हैं. तो देखो कि कैसे होता है ये. इसमें हम क्या कर रहे हैं, दो हमने मिक्सचर्स लिए हुए हैं इस तरह के. ये स्पेशल टाइप की टेस्ट ट्यूब्स हैं जो हम सेंट्रीफ्यूग में यूज़ करेंगे, और ये मतलब इस तरह से डिज़ाइन की गई हैं कि ये उसके होल्डर में आसानी से फिट हो जाए, क्योंकि होल्डर का शेप भी इसी तरह का होता है. और इनको फिर हम उसमें रख देते हैं. 4 की जगह होती है एक बार में, तो 4 टेस्ट ट्यूब्स एट अ टाइम. ये बिल्कुल सिंपल टाइप का है, बाद में हम एडवांस टाइप का भी देखेंगे जो कि आजकल यूज़ किए जाते हैं. ये बिल्कुल सिंपल टाइप का आपको किसी भी स्कूल की लेबोरेटरी में मिल जाएगा. इसको आप इस तरह से रख के और विद द हेल्प ऑफ इट्स लिवर घुमाए, मतलब आपने देखो कि ये चारों रख, 3 रख दिए, चौथा भी रख देंगे, ये चारों रख दिए. अब इसको विद द हेल्प ऑफ लिवर, यहाँ पे लिवर है, ये घुमा रहे हैं. इसे घुमाते हैं तो ये घूमता है, और ये घूम रहा है तो इसका पोजीशन कैसा हो गया, मतलब कि ये इस डायरेक्शन में कोई फोर्स लग रहा होगा. इसको ऑलमोस्ट हॉरिजॉन्टल जब हम लेके जाएंगे तो इट विल एक्सपीरियंस अ फोर्स इन दिस डायरेक्शन, सेंटर से बाहर की तरफ. हाँ, ऐसा इसका रोटेशन हो रहा है. तो सेंटर से बाहर की तरफ जो फोर्स लगता है, उस फोर्स की वजह से जो हैवियर पार्टिकल्स होते हैं या डेंसर पार्टिकल्स होते हैं वो यहाँ पे बॉटम पे जा कर के इकट्ठा हो जाएंगे. हाँ, जो लाइट पार्टिकल्स हैं, मतलब जो अदर पार्ट, जो डिस्पर्शन मीडियम होगा वो ऊपर ही रह जाएगा.
डिस्पर्स फेस, खास करके अगर वो सॉलिड है, हम इस तरह से सोल्स को अलग करते हैं, सेपरेट करते हैं, घुमाते घुमाते अब रोक दिया उसको, थोड़ी देर तक घुमाएंगे, थोड़ी देर तक घुमा करके रोक देते हैं, इतनी देर में इतनी सी टेस्ट ट्यूब में जितना भी हैवी इम्प्योरिटी होगी या एनीथिंग विच यू वांट टू सेटल एट द बॉटम, देखो यहाँ पे ये इकट्ठा हो गया, ये जो दिख रहा है हमको नीचे, ये वो हैवी पार्टिकल्स हैं जो अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ सेंट्रीफ्यूगल फोर्स बॉटम पे जाके सस्पेंड हो गए हैं। तो हमने ऊपर जो लिक्विड है, जैसे सिंपल है, आपकी पानी में मिट्टी गिरी हुई है, पानी आपको थोड़ा सा गंदा गंदा सा दिख रहा है, थोड़ा सा क्या, काफ़ी गंदा दिख रहा था अभी जो ये बीकर में रखे हुए थे, देखो ये जो था ये तो काफ़ी गंदा था ना, जिस जहाँ से इन्होंने इसको निकाला था, ये देखो ये तो काफ़ी गंदा पानी है, और इस पानी को जब हमने इसमें रख के घुमाया तो फिर ये इसकी सारी जो डर्ट थी वो यहाँ पर आके इकट्ठी हो गई। तो दिस इज हाउ दीज टाइप ऑफ मिक्सचर्स कैन बी सेपरेटेड, जिनमें इनविजिबल पार्टिकल्स इम्प्योरिटीज की फॉर्म में हो सकते हैं, जिनको एक पर्टिकुलर बॉटम पे जाके और इकट्ठा कर दिया जाता है। हाँ, ये आपके ब्लड और यूरिन टेस्ट में भी काम आता है। खैर, हम दूसरा तरीके का देखते हैं। अभी जो आजकल एडवांस है, जो हमारी डेयरीज में भी बड़ा यूज़ होता है, इनका जो एडवांस सिस्टम होता है उसको हम देखें सेंट्रीफ्यूगेशन का, ये थोड़ा ऐसा दिखता है। देखो इसमें कितने सारे होल्स बने हुए हैं, है ना, इसमें बहुत सारे होल। अभी हमको जैसे मिल्क है, तो मिल्क में से जो स्किम्ड मिल्क है उसको अलग करना है, फैट को अलग करना है ना, तो उसके लिए ऐसी चीज़ें काम आती हैं, है ना, या ब्लड के सैंपल्स को हमें प्लाज्मा अलग करना है और उसका जो सेलुलर पार्ट है वो अलग करना है, तो उसमें भी इस तरह की चीज़ें काम में आती हैं, जिसको हम सेंट्रीफ्यूग बोलते हैं। और सेंट्रीफ्यूग में आजकल इस तरह के स्ट्रक्चर्स आते हैं जिसमें एक साथ बहुत सारे टेस्ट ट्यूब्स रखी जा सकती हैं, और ये मैनुअली नहीं घूमता है, इसमें बाकायदा एक बड़ा पावरफुल मोटर लगा हुआ होता है जिसकी वजह से ये रोटेट करते हैं। तो जब हमको इसे एक्चुअली यूज़ करना होता है तो इस तरह से इसमें, अब जैसे ब्लड के सैंपल हैं, हाँ, तो लेबोरेटरीज़ में ब्लड के सैंपल्स को इनमें डाल दिया जाता है, या कोई और केमिकल हुआ या मिल्क ही हुआ, है ना। मिल्क के लिए देखो किस तरह का, जैसे हम यूज़ कर रहे हैं डिस्टिल्ड वाटर भी, चलो ना कैसे यूज़ करेंगे कि इसको एक स्पेशल टाइप की टेस्ट ट्यूब में मिल्क को भर के और उसको इसमें रख दिया जाता है, है ना। जब इसको इसमें रखेंगे और उसको फिर रोटेट कर देंगे, मतलब आप जो भी चीज़ चाहो वो रख सकते हो इसमें, और उसके बाद आप रोटेट करते हो, रोटेट करने के लिए आपके पास यहाँ नॉब है, इसको स्विच ऑन करोगे वैसे ही ये घूमने लग जाएगा। तो ये बहुत तेज़ घूमता है अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ स्ट्रॉन्ग मोटर, और इस तरह से सेपरेशन हो जाता है। हाँ, यहाँ पे मिल्क का जो स्किम्ड पार्ट है वो नीचे इकट्ठा हो जाता है और ऊपर फैट आ जाता है ना। तो इस तरह से सेंट्रीफ्यूगेशन यूज़ किया जाता है। सेंट्रीफ्यूगेशन के यूजेस हमारी बुक में क्या लिखे हैं उसको भी आप एक बार ध्यान से देख लें। सेंट्रीफ्यूगेशन का प्रिंसिपल भी यहाँ पे लिखा हुआ है, मैंने भी आपको लिखवाया था, यहाँ पे एक सिंपलर लैंग्वेज है, द प्रिंसिपल इज दैट द डेंसर पार्टिकल्स आर फोर्स टू द बॉटम एंड द लाइटर पार्टिकल्स स्टे एट द टॉप एंड स्पन रैपिडली। थोड़ा सा शॉर्ट में लिखते हैं एनसीईआरटी वाले, लेकिन ठीक है, आपको बात समझ में आ गई कि अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ द सेंट्रीफ्यूगल फोर्स द डेंसर पार्टिकल्स आर फोर्स टू द बॉटम ऑफ द कंटेनर और लाइटर पार्टिकल ऊपर रहते हैं। दिस वे हम उन मिक्सचर्स को सेपरेट कर लेते हैं जिनको फिल्ट्रेशन से सेपरेट नहीं कर पा रहे थे। तो एप्लीकेशंस आर वेरी इंपॉर्टेंट, यूज्ड इन डायग्नोस्टिक लेबोरेटरीज फॉर ब्लड एंड यूरिन टेस्ट्स, यूज्ड इन डेयरीज एंड होम टू सेपरेट बटर फ्रॉम क्रीम। अक्सर पूछा जाता है ये बटर को क्रीम से अलग करने के लिए क्या प्रोसेस यूज़ करते हैं, तो आप बताओगे सेंट्रीफ्यूगेशन, 1 मार्क का क्वेश्चन है।
यूज्ड इन वॉशिंग मशीन्स टू स्क्वीज आउट वाटर फ्रॉम वेट क्लोथ्स. वॉशिंग मशीन में आपने देखा होगा कि स्पिन टब कैसे घूमता है. खास करके सेमी ऑटोमेटिक मशीन अगर किसी ने देखी हो, पहले तो काफ़ी आती थी, आज कल भी आती होगी, तो सेमी ऑटोमेटिक मशीन जो होती है उसमें स्पिन टब अलग होता है बिल्कुल. उसमें आप और भी अच्छे से सीख पाओगे अगर उसे आप देखो तो. उसमें जब वो ड्रायर घूमता है, उसका स्पिन टब घूमता है, तो वो इतना तेज़ रोटेट करता है कि कपड़े जो होते हैं वो तो उसके पेरीफेरी पे जा कर के चिपक जाते हैं और वाटर स्क्वीज आउट होकर के बाहर निकल जाता है. हाँ, साथ में वो कुछ ब्लोअर भी होता है उसमें, तो वो ब्लोअर चलता है तो उस वजह से काफ़ी सारा वाटर वो एवेपोरेट कर देते हैं. तो वॉशिंग मशीन्स में भी सेंट्रीफ्यूगेशन टेक्निक यूज़ की जाती है फॉर सेपरेटिंग वाटर फ्रॉम द क्लोथ्स. ठीक है, अब जो बात आती है वो आती है मिसिबल लिक्विड्स वर्सेस इमिसिबल लिक्विड्स. ना, सेंट्रीफ्यूगेशन की बात तो चलो हमने कर ली, लेकिन जब हम बात करते हैं मिसिबल वर्सेस इमिसिबल लिक्विड्स की, क्योंकि मैं आपको याद दिला दूं, हम बात यूं कर रहे थे जब हम एक्चुअली सेपरेशन के बारे में बात कर रहे थे, तो हमने कहा था कि सॉलिड 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 लिक्विड, और अब बात आ गई लिक्विड एंड लिक्विड के मिक्सचर्स. ठीक है, हम सॉलिड 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 लिक्विड मिक्सचर तो समझ गए. लिक्विड लिक्विड का मिक्सचर जो होता है वो दो तरह का हो सकता है. लिक्विड्स कैन आइदर बी मिसिबल. मिसिबल लिक्विड्स आर दोज विच कैन बी यूनिफॉर्मली मिक्स विद ईच अदर, जो आपस में मिलके सॉल्यूशन बनाए. हाँ, मिसिबल लिक्विड्स जो होते हैं वो आपस में मिलते हैं तो सॉल्यूशन बनाते हैं. इमिसिबल लिक्विड सॉल्यूशन नहीं बनाते बिकॉज ऑफ देयर डिफरेंट डेंसिटीज, वो एक दूसरे के ऊपर लेयर्स बना करके इकट्ठे हो जाते हैं. मैंने आपको एग्जाम्पल दिए थे कुछ कि जो मिसिबल लिक्विड्स हैं दे कैन बी एल्कोहल एंड वाटर, एसीटोन एंड वाटर. क्या हो रहा है, दोनों को जब आपने मिला दिया तो बिल्कुल पूरी तरह से वो आपस में मिल जाएंगे. हाँ, एसिटिक एसिड को वाटर में मिला दिया, विनेगर बना दिया. विनेगर क्या है, 5% सॉल्यूशन ऑफ एसिटिक एसिड, इथेनोइक एसिड. तो इथेनोइक एसिड और वाटर जब मिलते हैं तो पता नहीं चलता कौन कहाँ गया, मतलब वो पूरी तरह से वो मिक्स हो जाता है उसके अंदर. तो जब यूनिफॉर्म मिक्सिंग होती है इस तरह से तो हम कहते हैं कि ये तो मिसिबल लिक्विड्स हैं. मिसिबल लिक्विड्स को अलग करना बहुत ज़्यादा मुश्किल है, उसके लिए हम अलग टेक्निक्स यूज़ करेंगे, लेकिन फ़िलहाल हम फोकस करेंगे जो थोड़ा आसान काम है, इमिसिबल लिक्विड्स को अलग करना. इमिसिबल लिक्विड्स क्योंकि एक दूसरे के ऊपर लेयर्स बना लेते हैं अकॉर्डिंग टू देयर डेंसिटीज़. जो ज़्यादा डेंसिटी वाला होता है वो नीचे होता है, कम डेंसिटी वाला सरफेस पे फ्लोट करता रहता है ना. तो इमिसिबल लिक्विड्स में आपके वाटर के साथ में डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑयल्स आ गए. हाँ, वाटर और ऑयल, किसी भी तरह का ऑयल या पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स, जैसे कि आपके पेट्रोल ही होता है, गैसोलिन कहते हैं जिसको हम, या फिर डीजल है, कोई भी ऐसी चीज़ जो वाटर में मिक्स नहीं हो पाती है, वाटर में इमिसिबल होती है और लिक्विड फॉर्म में होती है, तो हम उसको इमिसिबल लिक्विड्स का मिक्सचर बोलते हैं. तो इसके लिए इनको अलग करना बड़ा आसान है, लेकिन इसके लिए एक स्पेशल इंस्ट्रूमेंट हमको काम में आता है जिसको हम बोलते हैं सेपरेशन फनल. सेपरेशन फनल या सेपरेटिंग फनल कुछ भी बोल सकते हैं. सेपरेशन फनल जो होता है वो एक ऐसा स्पेशल टाइप का स्ट्रक्चर है जिसमें एक तरफ से तो आप मिक्सचर को उसमें इंसर्ट कर सकते हो, दूसरी तरफ जो उसका आउटलेट है वहाँ पर एक स्टॉप कॉक लगा हुआ है. जो नॉर्मल फनल हम देखते हैं उस वो तो बड़ी सिंपल फनल है. उसमें आप फिल्टर पेपर लगाकर फिल्ट्रेशन कर सकते हो, लेकिन ये बड़ी स्पेशल टाइप की फनल है. इसमें ऊपर से भी इस तरह का अंदर आने के लिए इनलेट है, यहाँ पे एक स्टॉप कॉक भी लगा हुआ है कि आप कंट्रोल कर सको कि क्या और कितना बाहर निकालना है. तो इसको हम देखते हैं
एनिमेशन में भी देखेंगे और एक्चुअली कैसा दिखता है उसको भी देखेंगे हम, ठीक है। ये एनिमेटेड है इसका, जिसमें आप देख सकते हो यहाँ पे सेपरेशन फनल। हाँ, ऊपर जो फनल लगा हुआ है वो हमारा सिंपल वाला फनल है, ये एक सेपरेशन फनल है जिसमें ऊपर की तरफ से आप कॉक लगा के बंद कर सकते हो। इसमें आप जब एक मिक्सचर डालते हो, एक ऐसा इमिसिबल लिक्विड्स का मिक्सचर डालते हो, तो फिर वो लेयर बना करके आप अगर उसको छोड़ दोगे थोड़ी देर के लिए तो एक दूसरे के ऊपर लेयर बना लेंगे अकॉर्डिंग टू देयर डेंसिटीज़। कम डेंसिटी वाला ऊपर और ज़्यादा डेंसिटी वाला नीचे चला जाएगा। यानी अगर आप ऑयल एंड वाटर का मिक्सचर इसमें डालते हो तो ऑयल थोड़ी देर बाद सरफेस पर लेयर बना देता है। यह आप अपने घर पे भी देख सकते हो, कोई सा भी ऑयल, बहुत ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा लेकर के, किसी टेस्ट ट्यूब हो अगर तो ठीक है, अदरवाइज़ कोई भी ट्रांसपेरेंट कप या ग्लास कोई भी ऐसा हो जिसमें आप देख सको साइड से, तो आप उसमें वाटर मिला लो, वाटर एंड ऑयल मिला दो और आप थोड़ी देर तक उसको छोड़ दोगे तो आपको दिखेगा कि उसकी टॉप सरफेस पर ऑयल इकट्ठा हो गया है। ऑयल की डेंसिटी वाटर की डेंसिटी से कम होती है और फ्लोटेशन प्रिंसिपल्स के हिसाब से लोअर डेंसिटी वाला हमेशा ऊपर फ्लोट करता है, हायर डेंसिटी वाला नीचे की तरफ रहता है। तो सेपरेशन फनल में बस एक स्पेशल डिज़ाइन बनानी थी, नीचे एक स्टॉप कॉक लगाना था जिससे हम कंट्रोल कर सकें व्हाट इज़ टू बी टेकन आउट। हाँ, तो देखेंगे कैसे काम करता है कि इसमें हमने एक मिक्सचर ऑफ ऑयल एंड वाटर डाल दिया। हाँ, इसको हम प्रॉपरली मिक्स भी कर लेते हैं, इसका थोड़ा सा प्रेशर भी रिलीज़ करना पड़ता है एक बार नीचे से, तो इसके ऊपर एक कॉक रहता है उससे इसको बंद करके यहाँ से इसको एक बार बाहर निकाल लें और इसको प्रॉपरली शेक कर लें, प्रॉपरली अच्छे से मिक्स कर लें। यहाँ से इसको लूज़ करके थोड़ा सा प्रेशर, एयर प्रेशर जो होता है वो भी हम रिलीज़ कर देते हैं इसका, और फिर उसके बाद हम इसको ऐसे छोड़ देते हैं। तो आफ्टर लीविंग इट अनडिस्टर्ब फॉर सम टाइम वी सी दैट देयर आर टू लेयर्स। यहाँ पे हमको दो लेयर्स दिख रही हैं, एक लेयर ऊपर एक लेयर नीचे। ऊपर वाली जो है वो लेसर डेंसिटी वाली लेयर है। हाँ, ये नीचे वाली हायर डेंसिटी वाली लेयर है। आपको देख के पता भी चल रहा होगा कि यहाँ पे नीचे वाटर है, एक्वस लेयर, ऊपर ऑयल है। तो हमें इनको बारी बारी से निकालना है, तो देयर शुड बी समथिंग टू कंट्रोल द एग्जिट, नहीं तो वो एक अलग अलग कैसे निकालेंगे हम, है ना। तो हम इसे सेपरेट करने के लिए क्या करते हैं कि जब ये तैयार हो जाता है तो हम एक बीकर रखते हैं और इसको कंट्रोल करते हैं। पहले वाटर को पूरा का पूरा निकाल लेते हैं, जैसे ही ये ऑयल आने लगता है, ऑयल यहाँ तक पहुँचता है, वैसे इसको बंद कर देते हैं। वी डोंट अलाउ द ऑयल टू कम आउट, और फिर दूसरे बीकर में हम ऑयल को भी गिरा लेते हैं। हालांकि प्रैक्टिकली कई बार ऐसा हो सकता है कि थोड़ा सा वाटर इसमें रह गया हो, उसके लिए एक छोटा सा काम ये किया जा सकता है कि जो हमारा ऑयल है इसमें, अगर हम ये समझते हैं कि थोड़ा सा वाटर इसमें रह गया है, तो आप एक नए बीकर में थोड़ा सा वाटर और एक दो ड्रॉप ऑयल के आ जाने दो। अगर ऑयल थोड़ा सा आ गया उसमें तो थोड़ा सा ऑयल वेस्ट तो होगा, लेकिन अब ये श्योर है कि यहाँ पर वाटर बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि ऑयल तभी आएगा जब वाटर पूरा निकल चुका होगा। तो अगर आपने थोड़ी सी ड्रॉप्स ऑयल की निकल जाने दी, तो आपने ये इंश्योर कर दिया बाय द लॉस ऑफ दोस फ्यू ड्रॉप्स ऑफ ऑयल दैट दिस इज़ नॉट मिक्स विद वाटर एनी मोर। तो बचा हुआ ऑयल फिर पूरा का पूरा इस बीकर में गिरा लिया जाता है, एंड दिस वे वी कैन सेपरेट टू इमिसिबल लिक्विड, दो ऐसे लिक्विड्स जो आपस में मिक्स नहीं होते, उनको अलग अलग कर लिया जाता है। ऑयल एंड वाटर आर सच लिक्विड्स वेयर ऑयल हैज़ लेसर डेंसिटी, लेसर डेंसिटी
and water has more density as compared to oil. Oil के comparison में ज़्यादा density. अगर आप कोई ऐसा liquid लेकर के आ गए जिसकी density water से ज़्यादा है तो water ऊपर float करेगा और oil the other liquid नीचे float करेगा. मतलब ज़रूरी नहीं कि water ही नीचे रहे, यहाँ तो हम क्योंकि oil और water का comparison कर रहे हैं इसलिए ये बात कर रहे हैं. ठीक है, तो बिल्कुल सिंपल बात है. सेपरेशन फनल का एनसीईआरटी वाला डायग्राम अभी हम थोड़ी देर में देखेंगे. वो डायग्राम भी बनाना ज़रूरी है, उसकी प्रैक्टिस करना. कई बार केवल 3 मार्क में उसका डायग्राम बनाना ही आ जाता है ना. बहुत ऐसा कई बार बहुत इजी पेपर बनता है, लेकिन अगर हमको नहीं आएगा उसको ड्रॉ करना तो हमें नुकसान होगा. एक्चुअली सेपरेशन फनल ऐसी होती है, वो तो एनिमेशन था, ये एक्चुअली ऐसा है ये. तो ये बिल्कुल वैसे जैसे हम वहाँ कर रहे थे ना, वैसे ही करते हैं कि इसको प्रॉपरली ऐसे शेक करते हैं और इसको घुमा करके इसका प्रेशर एडजस्ट करके और फिर यहाँ पे लगा दिया जाता है. हाँ, तो मीनवाइल ये जो दो इमिसिबल लिक्विड्स हैं ये एक दूसरे के ऊपर सेटल हो जाएंगे लाइक दिस, है ना. ऊपर से कॉक हटा के नीचे एक कोनिकल फ्लास्क रखा और इसको ओपन कर दिया, ये निकलता जा रहा है. ये नीचे गिरता जा रहा है, ये एक्चुअल है. वाकई ये ऐसे ही होता है. और जब ये नीचे आता जा रहा है तो नीचे वाला हायर डेंसिटी वाला लिक्विड पहले बाहर आ जाएगा. समझो ये वाटर है, तो हम तब तक वेट करेंगे जब तक ये पूरा ना निकल जाए. जैसे ही ये आया इसको बंद कर दिया. वी विल ट्राई नॉट टू लेट इवन अ सिंगल ड्रॉप ऑफ ऑयल इन टू वाटर. फिर बचा हुआ जो वाटर है वो इसमें निकाल दिया जाएगा. इतना सिंपल है. तो सेंट्रीफ्यूगेशन बहुत ही ईजी टू अंडरस्टैंड टाइप का कंसेप्ट है. अब आप इसमें देख रहे हैं, हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है कि हम देखें कि सेंट्रीफ्यूगेशन क्या, सेपरेशन फनल या सेपरेटिंग फनल जो है उसमें किस तरह से होता है. ये वाला डायग्राम आपको बनाना आना चाहिए. हाँ, सेपरेटिंग फनल, इसमें केरोसिन ऑयल, वाटर और स्टॉप कॉक. ये डायग्राम बिल्कुल सिंपल डायग्राम है, सुंदर सुंदर डायग्राम. बड़ी साइज़ में बनाने की प्रैक्टिस करो, हमेशा बड़ा डायग्राम बनाया करो जिससे कि क्लियरली दिखे. और यहाँ पे कोई ऐसी ख़ास बात है नहीं जिसमें मतलब आप अटक जाओ. बस आपको यहाँ पे एप्लीकेशंस याद रखनी है. एप्लीकेशंस आर इम्पॉर्टेंट. क्या टू सेपरेट मिक्सचर ऑफ ऑयल एंड वाटर तो है ही, ये बहुत इम्पॉर्टेंट बात है. इन दी एक्सट्रैक्शन ऑफ आयरन फ्रॉम इट्स ओर, आयरन को उसके ओर से निकालने में सेपरेशन फनल काम आता है. द लाइटर स्लैग इज रिमूव्ड फ्रॉम द टॉप बाय दिस मेथड टू लीव द मोल्टन आयरन एट द बॉटम इन द फर्नेस. हाँ, मोल्टन आयरन मतलब बहुत गर्म किया हुआ है, तो उसमें जो स्लैग होता है वो लाइट होता है, वो सेटल कर देते, छोड़ देते हैं हम उनको एक साथ, तो स्लैग जो होता है वो ऊपर की तरफ इकट्ठा हो जाता है और नीचे हमारा ये आ जाता है मोल्टन आयरन. तो आयरन को एक्सट्रैक्ट करना है उसके ओर से, उसमें जो लाइटर इम्प्योरिटीज़ होती हैं, जो स्लैग होता है, उसको सेपरेशन फनल के मेथड से अलग करते हैं. हाँ, तो इम्पॉर्टेंट बात तो है. चलो, आपके लिए तो हर जानकारी नई है, लेकिन ये एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा पूछा जाता है. अब यहाँ पे इसका प्रिंसिपल पूछा जाएगा, तो ये प्रिंसिपल लिखा है. द प्रिंसिपल ऑफ सेपरेशन फनल इज दैट इमिसिबल लिक्विड सेपरेट आउट इन लेयर्स डिपेंडिंग ऑन देयर डेंसिटीज. अलग अलग डेंसिटी वाले जो मिक्सचर जो लिक्विड्स होते हैं वो एक दूसरे के ऊपर मल्टीपल लेयर्स बना लेते हैं. ठीक है, आ रही है बात समझ में? बिल्कुल सिंपल बातें हैं. हाँ, अब अपन देख लें अपनी बुक में से हमने क्या क्या बातें कर ली हैं सेपरेशन मेथड्स में. सेपरेटिंग द कंपोनेंट्स ऑफ अ मिक्सचर, यहाँ से हमने बात शुरू की थी. तो अब देखो, हमने हाउ कैन वी ऑब्टेन कलर्ड कंपोनेंट डाई फ्रॉम ब्लू ब्लैक इंक, क्रोमेटोग्राफी पढ़ लिया. हाउ कैन वी सेपरेट क्रीम फ्रॉम मिल्क, सेपरेशन सेंट्रीफ्यूगेशन पढ़ लिया. इवेपरेशन, सिंपल मेथड ऑफ इवेपरेशन से कैसे ब्लू इंक को अलग किया जाता है उसके कंपोनेंट में, ये भी पढ़ लिया.
फिर सबके एप्लीकेशन हमको एकदम याद कर लेने हैं. हाउ कैन वी ऑब्टेन अ मिक्सचर ऑफ टू इमिसिबल लिक्विड्स भी पढ़ लिया. हाउ कैन वी सेपरेट मिक्सचर ऑफ सॉल्ट एंड कैम्फर, हाँ सॉल्ट एंड कैम्फर या सॉल्ट एंड अमोनियम क्लोराइड. यहाँ पे अभी इनके नाम याद रख लो. एग्जाम्पल्स ऑफ सॉलिड्स विच आर सबलाइम सबलिमेट सब्सटेंसेस अमोनियम क्लोराइड, नेफ्थलीन, एंथ्रासीन. ये नाम याद रख लो. जो बुक में लिखे होते हैं वही बात पूछी जाती है. क्रोमेटोग्राफी ये हमने पढ़ा था, ठीक है. तो यहाँ तक तो हम सारी बातें कर चुके हैं. अब केवल जो सेपरेशन में बचती है बात वो होती है एक तो मिसिबल लिक्विड्स. ऐसे लिक्विड्स जो कि मिसिबल हो यानी एक दूसरे के साथ में मिक्स हो जाए. अल्कोहल और वाटर जैसे, एसीटोन और वाटर जैसे, ऐसे मिक्स ऐसे लिक्विड जो आपस में यूनिफॉर्मली मिक्स हो जाए उनको अलग करना बड़ा मुश्किल है. उनको अलग करना इसलिए मुश्किल है कि उनका कोई दो लेयर्स भी नहीं बनती एक दूसरे के ऊपर. जब लिक्विड्स ही होंगे दोनों तो फिल्ट्रेशन जैसी और सेंट्रीफ्यूगेशन जैसी या क्रिस्टलाइजेशन जैसी कोई भी टेक्निक नहीं चलने वाली है ना. मिसिबल लिक्विड्स हैं तो और भी मुश्किल है कि उनके ऊपर लेयर भी नहीं बन रही तो आप सेपरेशन फनल भी यूज़ नहीं कर सकते हैं. अब क्या करें ये हम सीखेंगे हमारी नेक्स्ट क्लास में. लेकिन उसके पहले हम इसका प्रिंसिपल, इसका आइडिया समझ लें. हाँ हम एक नया कंसेप्ट सीखेंगे जिसको हम बोलते हैं डिस्टिलेशन. ये बड़े काम की चीज़ है. डिस्टिलेशन का मतलब क्या होता है इस बात का जो साइंटिफिक मीनिंग है वो समझो सबसे पहले. कि वी कैन से दैट डिस्टिलेशन इज वेपोराइजेशन फॉलोड बाय कंडेंसेशन. डिस्टिलेशन इज वेपराइजेशन फॉलोड बाय कंडेंसेशन. व्हाट इज वेपराइजेशन यू नो. एट द बॉइलिंग पॉइंट किसी लिक्विड को वेपर में कन्वर्ट कर देना इज बॉइलिंग और वेपराइजेशन. कंडेंसेशन यू ऑल्सो अंडरस्टैंड. जब हमने मैटर इन आर सराउंडिंग्स में चेंज इन स्टेट की बात अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ टेम्परेचर किया था, इंक्रीजिंग टेम्परेचर और हीट किया था, तो हमने कहा था कि जब आप किसी लिक्विड को बहुत ज़्यादा हीट देते हैं और उसका टेम्परेचर उसके बॉइलिंग पॉइंट के बराबर हो जाता है तो क्या होता है, तो वो वेपर में बदलने लगता है. द प्रोसेस इज कॉल्ड वेपराइजेशन, द कन्वर्जन ऑफ लिक्विड इनटू इट्स वेपर फॉर्म एट इट्स बॉइलिंग पॉइंट. ठीक है, वो तो वेपराइजेशन है. कंडेंसेशन उसका जस्ट उल्टा है कि अगर वाटर वेपर को आप ठंडा करो, कूल करो, तो इट गेट्स कन्वर्टेड बैक इनटू लिक्विड. वेपर या गैशियस फॉर्म का लिक्विड में कन्वर्ट होना इज कंडेंसेशन. यानी कंडेंसेशन इज गैस टू लिक्विड. वेपराइजेशन इज लिक्विड टू गैस एंड दैट टू एट इट्स बॉइलिंग पॉइंट. तो यानी हम पहले लिक्विड को गैस में कन्वर्ट कर रहे हैं और फिर गैस को वापस लिक्विड में कन्वर्ट कर रहे हैं और इस प्रोसेस को कंडेंसेशन बोल रहे हैं. तो ऐसा क्यों कर रहे हो भाई, ऐसा सेपरेशन के लिए कर रहे हैं. हाँ कि अगर एक कंटेनर में दो मिसिबल लिक्विड्स हैं तो हमको उन मिसिबल लिक्विड्स की फिजिकल क्वांटिटीज़ पे फोकस करना पड़ेगा क्योंकि हमें पता है कि अब हम और कुछ नहीं कर सकते. फिल्ट्रेशन जैसी चीज़, सेंट्रीफ्यूगेशन जैसी चीज़, क्रिस्टलाइजेशन, क्रोमेटोग्राफी कुछ काम नहीं आने वाला. अब केवल एक तरीका बचा है क्या, कि वो लिक्विड्स जो आपस में यूनिफॉर्मली मिक्स हो गए हैं हम क्या करें कि उनके बॉइलिंग पॉइंट्स पे फोकस करें. अब दो अलग अलग लिक्विड्स जो होते हैं उनके बॉइलिंग पॉइंट्स अलग अलग ही होते हैं. हाँ उनके बॉइलिंग पॉइंट्स अलग अलग होते हैं. तो समझो दो मिसिबल लिक्विड्स हैं, एक है ए दूसरा है बी. इसका
बॉइलिंग पॉइंट ऑफ ए, इसका बॉइलिंग पॉइंट ऑफ बी, दोनों अलग अलग होंगे, सेम नहीं हो सकते। कोई भी दो अलग अलग लिक्विड्स के बॉइलिंग पॉइंट सेम नहीं होते हैं, कभी भी अलग अलग होते हैं। अब देयर आर टू कंडीशंस, नंबर वन, ये तो जाहिर है कि ये दोनों इक्वल नहीं है, दे आर नॉट इक्वल। एक चांस है कि बॉइलिंग पॉइंट ऑफ ए इज ग्रेटर देन बॉइलिंग पॉइंट ऑफ बी बाय अ मार्जिन ऑफ मोर देन 25 केल्विन और 25 डिग्री सेल्सियस। हाँ, दोनों के बीच में 25 केल्विन का या 25 डिग्री सेल्सियस का गैप है, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ ए एंड बॉइलिंग पॉइंट ऑफ बी के बीच। एग्जाम्पल, ए जो है वाटर है जिसका बॉइलिंग पॉइंट है 100 डिग्री सेल्सियस, बी समझो एसीटोन है, एसीटोन होता है ना, नेल पॉलिश रिमूवर की तरह यूज करते हैं, स्वीट स्मेल वाला लिक्विड एसीटोन, उसका बॉइलिंग पॉइंट होता है 57 डिग्री सेल्सियस। दोनों के बीच में गैप कितना है, इट इज मोर देन 25 केल्विन या 25 डिग्री सेल्सियस, ग्रेटर देन 25 डिग्री सेल्सियस गैप है इनके बीच में, 157, आप देख लो है ना, 43 डिग्री सेल्सियस का गैप है दोनों के बीच में। तो इसका मतलब अगर ये दोनों मिक्स्ड हैं और आप हीट करके टेम्परेचर को 57 डिग्री सेल्सियस पे रोक दोगे तो सारा एसीटोन वेपर बन के बाहर निकल जाएगा कंटेनर से, जबकि वाटर का बॉइलिंग पॉइंट तो अभी आया ही नहीं है, वाटर का बॉइलिंग पॉइंट तो अभी बहुत आगे है, बहुत ऊपर है। तो हम टेम्परेचर अगर बढ़ने ही ना दें 57 डिग्री सेल्सियस से ऊपर, 57 डिग्री सेल्सियस पर ले जा करके 57-58 पर ही चलाते रहें, कंट्रोल करके रखें, तो एसीटोन धीरे धीरे पूरा वेपर बन के अलग हो जाएगा और वाटर हमारा उसी कंटेनर में रहेगा जिसमें ये मिक्सचर था। अब आप बोलोगे कि सर एसीटोन तो उड़ा दिया आपने, वो ज़्यादा काम की चीज़ थी, पानी तो वैसे मिल जाता, सही बात है, लेकिन हमने उड़ा नहीं दिया उसको, अभी डिस्टिलेशन नहीं, अभी केवल वेपराइजेशन ऑफ एसीटोन हुआ है। अब एसीटोन का हम क्या कर देंगे, कंडेंसेशन कर देंगे, उसके लिए हम इस एसीटोन को उड़ा नहीं दे रहे हैं, एसीटोन के जो वेपर्स बनेंगे उन वेपर्स को हम एक कंडेंसर में डालेंगे, कैसे, ऐसे इंस्ट्रूमेंट में डालेंगे जिसमें वो ठंडा पानी एक तरफ से आता है दूसरी तरफ से जाता है, तो उसमें जो डिलीवरी ट्यूब होती है जिसमें से होकर के वेपर्स जाएंगे, वो डिलीवरी ट्यूब के चारों तरफ ठंडा पानी फ्लो कर रहा होता है, इस वजह से वो ठंडी रहती है। तो उस ठंडी डिलीवरी ट्यूब में से होकर के जब वेपर्स ऑफ एसीटोन निकलते हैं तो वो कंडेंस हो जाते हैं और वापस लिक्विड एसीटोन में कन्वर्ट हो जाते हैं। अब आप इस लिक्विड एसीटोन को किसी दूसरे बीकर में इकट्ठा कर दो, दूसरे कोनिकल फ्लास्क में इकट्ठा कर दो, तो जो वाटर था वो तो वहीं रह गया जहाँ पहले था, और एसीटोन जो है वो इकट्ठा हो गया दूसरी जगह पे, दोनों को आपने अलग अलग कंटेनर्स में इकट्ठा कर दिया। ये तो एक कंडीशन है जब दो मिसिबल लिक्विड्स के बॉइलिंग पॉइंट्स के बीच में देयर इज अ ग्रेटर डिफरेंस देन 25 डिग्री सेल्सियस और 25 केल्विन। दूसरा ऐसा होता है कंडीशन जिसमें बॉइलिंग पॉइंट ए, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ ए एंड बॉइलिंग पॉइंट ऑफ बी के बीच में जो गैप है वो लेस देन 25 डिग्री सेल्सियस होता है। जैसे वाटर एंड इथेनॉल, इथेनॉल इज एथाइल अल्कोहल जो कि बड़ा पॉपुलर अल्कोहल है, वाटर का बॉइलिंग पॉइंट तो 100 डिग्री सेल्सियस है लेकिन इथेनॉल का 78 डिग्री सेल्सियस है। यहाँ पर इस तरह का डिस्टिलेशन थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, ये बड़ा तो है लेकिन गैप जो है वो लेस देन 25 डिग्री सेल्सियस है, ऊपर वाला जो
डिस्टिलेशन था उसमें तो सिंपली हमने एसीटोन को 57 डिग्री सेल्सियस पे उड़ा दिया था, बिकॉज देयर वाज अ लार्ज गैप बिटवीन द बॉइलिंग पॉइंट्स ऑफ एसीटोन एंड वाटर, ज़्यादा प्रॉब्लम हुई नहीं थी। लेकिन अब प्रॉब्लम ये होगी कि यहाँ पर आपको इथेनॉल और वाटर दोनों का बॉइलिंग पॉइंट काफ़ी क्लोज हो गया, लेस देन 25 डिग्री सेल्सियस हो गया, तो जो आसानी से यहाँ पे आपने कर लिया था अब यहाँ नहीं कर पाओगे। हाँ, ये जो जगह है, ये जो हमारा क्या बोलते हैं वाटर और एसीटोन का सेपरेशन है, ये तो हमारा सिंपल डिस्टिलेशन प्रोसेस से हो जाता है, इसको हम सिंपल डिस्टिलेशन बोलते हैं। लेकिन यहाँ पर सिंपल डिस्टिलेशन काम नहीं करेगा, क्योंकि 78 डिग्री सेल्सियस 80 डिग्री सेल्सियस के आसपास जब आप इथेनॉल को बॉईल करते हो तो इथेनॉल तो बॉईल हो रहा है लेकिन उसके साथ में वाटर का भी बॉइलिंग पॉइंट क्योंकि करीब आ रहा है तो थोड़ा सा वाटर के भी वेपर बनने शुरू हो जाएंगे, वो भी इवेपोरेट होना शुरू हो जाएगा, बिलो इट्स बॉइलिंग पॉइंट वेपर में कन्वर्ट होना शुरू हो जाएगा, और फिर ये भी अगर चला गया कंडेंसर में तो फिर दोनों कंडेंस हो जाएंगे और एक साथ जाकर के दूसरी जगह भी दोनों मिक्स हो जाएंगे। तो हम डिस्टिलेशन का मतलब समझें कि डिस्टिलेशन इज वेपोराइजेशन फॉलोड बाय कंडेंसेशन। सिंपल डिस्टिलेशन में तो दोनों बड़े आसानी से अलग हो जाते हैं, यहाँ पे हमको एक फ्रैक्शनेटिंग चैम्बर यूज़ करना पड़ता है जिससे कि हम जो वॉलेटाइल लिक्विड, जो कि लेस वॉलेटाइल लिक्विड है, हाँ वाटर इज लेस वॉलेटाइल एज कम्पेयर टू इथेनॉल, उसको हम दूसरी तरफ जाने से रोक सकें। कैसे करेंगे ये हम कल की क्लास में सीखेंगे, है ना। आई होप आपको ये बातें समझ में आ गई होंगी। आपको सिर्फ ये बात अपने बैक ऑफ द माइंड रखना है फिलहाल कि डिस्टिलेशन का मतलब वेपोराइजेशन फॉलोड बाय कंडेंसेशन है। दोनों चीज़ें जो हम मिसिबल लिक्विड्स को अलग करने की सीखते हैं इन्हीं की एप्लीकेशन है कि हाउ टू कन्वर्ट गैस, हाउ टू सेपरेट गैसेस व्हेन दे आर इन अ एयर मिक्सचर, ठीक है, इसी की एप्लीकेशन है कि हम एयर मिक्सचर में से गैसेस को, नाइट्रोजन ऑक्सीजन को अलग कर सकते हैं। हम उनको पहले लिक्विफाइड करते हैं, फिर वो मिसिबल लिक्विड्स की तरह से बिहेव करते हैं और फिर हम उनको अलग कर देते हैं। तो ये बात समझेंगे तो इसी का एप्लीकेशन वो होगा, ठीक है। तो आप अब रीडिंग कर लो, डिस्टिलेशन वाले पार्ट की भी रीडिंग कर लो, कल की क्लास में हम इसके वीडियोज़ देख करके इसको ठीक से समझेंगे कि एग्जैक्टली क्या होता है डिस्टिलेशन प्रोसेस में, ठीक है। चलो बाकी बातें कल की क्लास में। थैंक यू।